देखिए, मैं इसलिए ऐसा शुरुआत करना चाह रहा था बिकॉज मार्केट में कुछ डेटा पॉइंट्स चेंज हुए हैं, और जिस तरह से वो चेंज हुए हैं थोड़ा उसको ओपन माइंड से डिस्कस करना होगा, और हम सबको एक एक्सेप्टेंस के थ्रू आगे बढ़ना होगा. क्या हुआ है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. इधर जो इंसेसेंट जो एकदम जो फॉल चला जा रहा है मार्केट का, एक करेक्शन का जो नेचर आ गया है, उसमें एक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो मुझे समझ में आया वो है रुपी डॉलर का. बहुत समय से रुपी डॉलर का जो ट्रेड था वो 83.35 पे आके रुक चुका था, जो कि मैं बहुत समय से बात कर रहा हूँ इस लेवल की. एक पहला यहाँ पे ये हुआ है कि ये लेवल टूट चुका है, और इसके बाद रुपी का डिप्रिशिएशन फर्दर होने के चांसेस रहेंगे जब तक अब रुपी 83 के नीचे क्लोज नहीं ले ले. ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बिकॉज हमारे पास अब कोई ट्रैजेक्टरी अभी डिफाइंड नहीं है रुपी की ऊपर साइड में. ये जब तक 83 के नीचे नहीं बंद होता है, ये 84, 85 ये सब रेंज में कहीं पे भी जा सकता है जी, डिपेंडिंग लेकिन अपॉन. शमेश, जब ये जुलाई में ये चाल बनी थी, जुलाई अगस्त के बीच में भी एक बार डॉलर रुपए में काफी तेजी चाल बनी थी, और उस समय जो मैं देख पा रहा हूँ 83 रुपए 47 पैसे इसका ऊपरी स्तर बना था, हाई बना था, और अभी जो है इस समय भी जब हम चार्ट को देख रहे हैं तो ये 83.41 जो उसका हाई है, आप कह सकते हैं कि अगस्त का जो हाई है उसको रीटेस्ट कर रहा है ये। देखिए, पहली चीज क्या है कि हम यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेकआउट आपको रुपए डॉलर ने दे दिया है, वो हाई बना है, एक पॉइंट वैलिड है, लेकिन जो क्लोजिंग ब्रेकआउट है वो दे चुका है. दूसरी चीज ये है कि पैरामीटर्स चेंज हुए हैं रुपए डॉलर के, और ये पैरामीटर के बेसिस पे अब इसकी रीडिंग रहेगी 83 एज बेस, और जी इसके नीचे जब तक एप्रिशिएट नहीं होगा तब तक डिप्रिशिएशन को ओपन रखना होगा. तो ये तो क्लोजिंग पैरामीटर्स ब्रेकआउट इस तरह के अगर हम लाइन चार्ट पे देख रहे हैं हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये जी क्लोजिंग ब्रेकआउट आप आराम से इसको मान सकते हैं, और इसी के कारण जो रीसेंट लो फॉर्म हुआ है 83 के पास, ये अब इसका बेस हो गया. तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा रुपी डिप्रिशिएट करने के चांसेस रहेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि रुपी यहाँ से डिप्रिशिएट करेगी ही करेगी. डेटा रीड करते हैं, जिस डेटा के अगेंस्ट में हम कुछ इन्फ्रेंस लेने की कोशिश करेंगे. इसका मैच सीधा आपको नहीं मिलेगा डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डिस्कशन ये हो सकता था कि डॉलर इंडेक्स में हमें उतना डिफरेंस नहीं, मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा रुपी ऊपर बढ़ रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है. वो थोड़ी डाइकॉटमी है, इसलिए एक बार बड़ा डिप्रिशिएशन का हम कॉल नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये अब हमारे लिए एक नियर टर्म में थ्रेट आ गया है रुपी डॉलर पैरिटी के लिए, जो 83 पे अब बेस हो जाएगा, और जब तक वो नहीं टूटेगा वहां पे एक थोड़ा सा डर का माहौल बना रहेगा. अब ये पहली चीज मैं आज समझाना चाह रहा था, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को वॉच कीजिएगा, बिकॉज जिस तरह से 7,000 करोड़ और इस तरह का जो नंबर्स आ रहा है FII सेल का, और उसके बाद जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, अगर आप इन दोनों को कोरिलेट करेंगे इसका मतलब ये है कि फंड आउटफ्लो हो रहा है, ये मानना पड़ेगा हमें फिलहाल. अब रही बात, आपने जब डॉलर इंडेक्स निकाल ही दिया, तो डॉलर इंडेक्स में भी डबल बॉटम का बहुत क्लियर पैटर्न है नियर टर्म में, और ये ये पैटर्न पे आप हो 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर का ये है, और अभी जो ये ताजा 24 अक्टूबर का है, इन दो बॉटम्स की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ ये पैटर्न का जो बॉटम है, ये बॉटम फॉर्मेशन है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का, एंड देयरफॉर ये पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स भी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर मूव करे, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें रुपी डॉलर पे भी देखने को मिले. ये दो पैरामीटर को क्लोजली इवैल्यूएट करने की जरूरत है, और इसलिए केयरफुल तो रहना है शॉर्ट टर्म में. ये जी, पहला लेकिन डिस्कशन ये मैं भी हो लेके सकता है आया. कि ये लगभग एक तरह का पैरेलल चैनल इसने बना लिया हो। देखिए, बहुत पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि डबल बॉटम बना है और बहुत बड़ा राइज है डॉलर इंडेक्स का, उसके अगेंस्ट में ये कंसोलिडेशन चल रहा है. तो जब तक इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, कोई भी कॉल इस पे आगे नहीं लिया जा सकता. तो दोनों साइड के ओपन है, ऐसा नहीं है कि नीचे के मूविंग एवरेजेस चले गए हैं, नहीं गए हैं, इसलिए वीक भी नहीं कहा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि इसने अपर एंड तोड़ दिया है 107 के पहले, अब हमें ब्रेकआउट भी कंसिडर नहीं करना है. तो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास ओपन, इसको क्लोजली मॉनिटर करना है, बिकॉज आज के तारीख में एक एक दिन में पैरामीटर चेंज हो रहा है. तो अगर हम अगली बार ही मिलें उससे पहले अगर चेंज हो गया,
तो जो हमें देखते हैं सुनते हैं इन चीज को खास करके ध्यान रखिएगा, 107 डॉलर इंडेक्स के लिए क्रिटिकल हो जाएगा अब, बिकॉज उस केस में होगा ये कि फिर जो डबल बॉटम का केस है, ये डबल बॉटम का केस आप हो सकता है कि अगर 107 निकलता है तो 110 112 वाला जो रेंज है डॉलर इंडेक्स का वो ओपन करेगा। अगर वो ओपन करेगा तो हमारे रुपए के लिए भी एक दो रुपया डिप्रिशिएट करना बहुत, एक रुपया डेढ़ रुपया डिप्रिशिएट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पहला आज का मैं अपने चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। जी तो ये रही बात डॉलर बनाम रुपया और डॉलर इंडेक्स की, जिस पर आप सबसे पहले ध्यान खींचना चाहते थे।